हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक नोबेल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जियन गलती से पिल्टाउन के स्टार रियलम में घुस गया था, और जहां से जियन को एक एल्डन ने बहुत बुरी तरीके से भगाया था। और साथ ही हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था पिल्टाउन के मोस्ट पावरफुल 3 एसोसिएट हेड को, और साथ ही वहां पर हमने मास्टर यावलाओ की गर्लफ्रेंड को भी देखा था। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियन की ग्रुप, जहां पर वो लोग एक बड़े से हॉल के अंदर एंटर कर रहे थे, और यही पर ही होने वाला है पिल्टाउन के एल्डर कॉम्पिटिशन, जहां पर ग्रेट एल्डर उस हॉल में एंटर करते ही कोई उनका आने का अनाउंसमेंट करता है, और तभी वहाँ पर आए हुए बाकी क्लैन के लोग वो सभी को देखने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं जियन को, जो अभी के लिए सेंस कर लेता है सभी लोग उसी को देख रहा है और उसके पावर लेवल को सेंस करने की कोशिश कर रहा है, पर जियन उन सभी को इग्नोर करके ग्रेट एल्डर के साथ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो देखते है कुछ क्लैन रिप्रेजेंटेटिव को, और उन्हें देख के जियन समझ जाता है ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी पावरफुल सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और तभी ग्रेट एल्डर भी जियन को लेकर अपनी सीट की तरफ चले जाते हैं, और तभी ग्रेट एल्डर जियन को उन सभी के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर जियन सबसे पहले काउ क्लैन की सीट की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी तक कोई आया नहीं। और तभी जियन की नजर पड़ता है डैन क्लैन की उस छोटी सी लड़की के ऊपर, और इस लड़की को देख के जियन समझ जाता है यह शायद वही लड़की है जिसके पावर को उसने मार्केट में सेंस किया था, और तभी वो लड़की भी सेंस कर लेती है उसे कोई देख रहा है, इस वजह से वो भी जियन की तरफ देखने लगती है, और यह चीज ग्रेट एल्डर भी देख लेता है। और थोड़ी देर बाद वो जियन को बताता है यह लड़की डैन क्लैन को रिप्रेजेंट कर रही है, बट मैंने इसको इससे पहले कभी भी नहीं देखा। और उसके बाद ग्रेट एल्डर जियन को उसके पास खड़े हुए लड़के के बारे में बताने लगता है, और वो बंदा है डैन शुआन, और ये बंदा यंग जनरेशन में एक बहुत ही अच्छे अल्केमिस्ट है, और पूरे डैन क्लैन में सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी, और इस वजह से इसकी कंपैरिजन विंग से ही बन सकती है। और तभी डैन शुआन भी जियन की तरफ देखता है और एक स्माइल कर देता है, और तभी ये देख के जियन भी एक छोटा सा स्माइल कर देता है, और तभी हम देखते हैं बाइक क्लैन के लोग, और वो लोग जब से जियन यहाँ पर आया है उसे ही घूर रहा है, और तभी ग्रेट एल्डर जियन को बताने लगता है वो बंदा है बाई, और जो बाइक क्लैन को इस बार रिप्रेजेंट करेगा, और ये बंदा बाइक क्लैन के सबसे मिस्ट्रियस बंदों में से एक है। और तभी जियन को भी उसके अंदर से एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है, और तभी जियन भी ग्रेट एल्डर की बातों को एग्री करते हुए कहता है मैंने भी सेंस किया। तभी हम देखते हैं बाइंग भी ये चीज नोटिस किया है, और जियन की तरफ देख के एक स्माइल कर देता है, इस वजह से जियन भी एक स्माइल कर देता है, पर जियन समझ जाता है उसके स्माइल में कितना ज्यादा अहंकार है। तभी ग्रेट एल्डर जियन को बताने लगता है इस बार का कॉम्पिटिशन वाकई काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये लोग लगभग 2 साल पहले ही टीयर 7 के मिड लेवल को अचीव कर चुके थे। और तभी ग्रेट एल्डर काउ क्लैन के बारे में बताने ही लगता है, और तभी वहाँ पर सभी को एक अजीब सा ओड़ा महसूस होता है, और इस वजह से सभी दरवाजे की तरफ देखने लगता है, और तभी हम देखते हैं एक ग्रैंड एंट्री, और ये ग्रैंड एंट्री किसी और की नहीं, ये एंट्री होती है काउइंग की, जिसके साथ अभी के लिए काउडन और एक काउ क्लैन के मेंबर भी है, और तभी ओके सभी लोग काउइंग को ही देखने लगते हैं, और तभी ग्रेट एल्डर जियन को बताने लगता है यही काउइंग है, और पिल्टाउन के एसोसिएट है ट्रॉन को, जो इसके मास्टर है, जो उन्होंने बचपन में ही इसे डिसेबल बना लिया था, और काफी रूमर्स है यही पिल्टाउन के नेक्स्ट हेड बने। और तभी काउइंग अपनी सीट की तरफ जाने लगती है, उसके पीछे पीछे काउडन और काउशी भी जाने लगते हैं, और तभी काउइंग डैन क्लैन के सामने जाकर रुक जाती है, और वो उस छोटी सी लड़की से कहती है लिटिल सिस्टर डैन चैन, आपसे मिले हुए काफी लंबे टाइम हो गई है। और तभी काउइंग डैन चैन से कहती है तो इस बार डैन क्लैन को तुम रिप्रेजेंट करोगे, और ये कहते हुए एक स्माइल कर देती है, बट ये सब सुन के भी डैन चैन कुछ भी नहीं कहती है काउइंग से। और तभी डैन शुआन डैन चैन के सामने आ जाता है, और काउइंग को ग्रीट करते हुए कहता है इसमें कोई शक नहीं है, आए हुए सभी में से आप ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। और तभी काउइंग फिर से डैन चैन की तरफ देखने लगती है, मैं उम्मीद करते हो इस बार तुम मुझे अच्छी टक्कर दोगी, और उसके बाद स्माइल करते हुए अपनी सीट की तरफ चले जाती है। और तभी काउडन जियन के सामने जाके रुक जाता है, और उसके साथ अभी के लिए काउशी भी रहता है। और तभी काउडन जियन से कहता है मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर सच में आओगे, बट जियन कोई भी रिप्लाई ना देते हुए पूरी तरीके से इग्नोर करता है, और इस वजह से काउडन कुछ कहने ही वाला होता है, और तभी काउशी उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, और काफी पोलाइटली जियन को कहता है तुम ही जियन हो ना जो काउडन को हराया, बट मैं अभी के लिए बता भले ही तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, बट यह कि सभी डिसेबल्स में काफी ज्यादा टैलेंटेड, इस वजह से तुम यहाँ पर किसी को भी कम मत समझो, और मैं उम्मीद करूंगी तुम एक क्लैन को एक अच्छा पोजीशन दे पाओ। और तभी यह सुन के जियन भी कहता है मैंने भी आपके बारे में सुना है, काफी ज्यादा टैलेंटेड, और मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा और मैं अपनी बेस्ट दूंगा। और यह सुन के काउशी जियन को एक स्माइल पास करते हुए वहां से चला जाता है। तभी जियन ग्रेट एल्डर से कहता है यह काफी ज्यादा शांत और काउडन से काफी ज्यादा मैच्योर है, और यह सुन के ग्रेट एल्डर भी हमें नोट कर देता है। और तभी हम देखते हैं काउडन को जो काउशी से कहता है आप उस जियन से क्यों बात कर रहे थे, अभी के लिए आपको मेरा हार का बदला लेना है उससे, ई क्लैन को इस एल्डर पोजीशन से बाहर कर देना है। और तभी काउशी कहता है यह लड़का बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, ये अभी के लिए जरूर अपने पावर को हाइड करके रखा है, और मुझे लगता है इस लड़के का टैलेंट उसके बैथ से कई गुना ज्यादा है, तो इस वजह से उसके सामने तुम्हारा हारना कोई शॉकिंग बात नहीं है। और यह सुन के काउइंग भी कहती है हाँ काउशी की बात सही है, और उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा डेंस है, और इतनी कम उम्र में ऐसी स्ट्रेंथ को रखना टैलेंट से कम नहीं है। दूसरी तरफ काउडन इन दोनों की बातें सुन
के ऊपर से नीचे तक जल रहा है। और कुछ देर बाद ही उस हॉल में एक पीटर के एल्डर आ जाता है और इस एल्डर के नाम ही श्यांगयाओ। तो श्यांगयाओ सभी से कहता है जैसे कि पांचों क्लान ही यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से मैं श्यांगयाओ इस एल्डर टेस्ट को लूंगा। और ये एल्डर पीटर की एक रेस्पेक्टफुल एल्डर है, खुद भी एक टियर 7 के अल्केमिस्ट है। तभी ग्रेट एल्डर जियान से कहता है ये पीटर की 8 एल्डर्स में से एक है, इस वजह से इनकी रेस्पेक्ट पीटर में काफी ज्यादा है। और ये सुनकर जियान भी हमें नोट कर देता है और वो अपने मन मन सोचने लगता है इनकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हेवी है और इनके सामने आने से मेरी सोल भी सप्रेस होने लगी थी, इस वजह से ये बिल्कुल भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और तभी वो एल्डर सभी क्लैन से कहता है अभी के लिए मैं इस टेस्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इस वजह से आपकी क्लैन की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग प्लीज आगे आ जाए। और तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर को जो जियान की तरफ देखने लगता है और तभी पीछे से सिलन जियान को कहते हैं ऑल द बेस्ट। और तभी जियान भी एक स्माइल देते ही आगे बढ़ जाता है और बाकी क्लैन के डिसेबल्स भी आगे आ चुके थे। और तभी हम देखते हैं श्यांगयाओ को जो पहले तो जियान को बहुत ही ध्यान से देखता है और उसे पूरी तरीके से स्कैन कर लेता है और उसके बाद क्लैन के ग्रेट एल्डर को देख के एक स्माइल कर देता है। और तभी ग्रेट एल्डर भी श्यांगयाओ को एक रेस्पेक्टफुल स्माइल देता है और तभी सभी लोग एल्डर श्यांगयाओ को ग्रीट करते हुए अपने अपने इंट्रो देने लगते हैं। और सभी के इंट्रोडक्शन देने के बाद फाइनली हम देखते हैं जियान को जो एल्डर श्यांगयाओ को ग्रीट करते हुए कहता है मैं क्लैन से जियान। और तभी हम देखते हैं एल्डर श्यांगयाओ को जो स्माइल करते हुए जियान से कहता है अरे तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हारे कारनामे की वजह से तुम तो पूरे सेंट्रल प्लेन में फेमस हो चुके हो जहाँ पर तुम अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल सेक्शन से पांगले के भी अभी तक सही सलामत हो। और साथ ही एल्डर हैनली भी तुम्हारी काफी तारीफ किया है। और तभी जियान स्माइल करते हुए कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा छोटा मोटा चीजें तो होता रहता है। तभी हम देखते हैं बाइंग को जो जियान को देख के कहने लगता है तुमको ये छोटी सी मैटर लगता है क्या, तुमने हमारी क्लैन के एल्डर को बेइज्जत किया है, इस वजह से बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। बट जियान अभी के लिए बाइंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और तभी हम देखते हैं एल्डर श्यांगयाओ को जो कहता है बस करो अपनी जो ताकत था वो इस कॉम्पिटिशन में दिखा, और ये कहते हैं अपने हाथों को मूव करता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ की जमीन हिलने लगती है, वहाँ से एक पिलर बाहर आ जाती है। तभी एल्डर श्यांगयाओ कहता है ये एल्डर कॉम्पिटिशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और फर्स्ट पार्ट में तुम लोग अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मेजर करोगे क्योंकि किसी बंदे की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छे अल्केमिस्ट माना जाता है, इस वजह से तुम लोग अपने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस पिलर के अंदर डालोगे और ये पिलर उसे मेजर करेगा। इस कॉम्पिटिशन के हाइस्ट पॉइंट अभी तक काउइंग की है जिसे अभी तक किसी ने भी तोड़ नहीं पाया है। और तभी एल्डर श्यांगयाओ कहते हैं इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करो। और तभी हम देखते हैं क्यूजी को जो सबसे पहले इस टेस्ट को देने के लिए आगे आया है और उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस पिलर के अंदर डालने लगता है। और थोड़ी देर बाद उस पिलर में एक नंबर शो होती है जो होती है 707 और ये पॉइंट को देख के वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है क्योंकि ये पॉइंट एक टियर 7 के अल्केमिस्ट के लिए उतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है बाइंग जो जियान को बहुत ही गुस्से से देखते हुए अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस पिलर के अंदर डालने लगता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बाइंग की पॉइंट को जो होता है 786 और ये क्यूजी के पॉइंट से काफी ज्यादा है। और तभी हम देखते हैं बाइक लाइन की उस ओल्डनरी को जो इस पॉइंट को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और तभी एल्डर श्यांगयाओ कहते हैं आप कौन आना चाहेगा, और तभी वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद काउकलान से काउशी आगे आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस पिलर के अंदर डालने लगता है और देखते ही देखते उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 800 को भी क्रॉस कर लेता है और 846 में जाके रुक जाता है। और तभी हम नेक्स्ट में देखते हैं डेंट्रॉन जो आगे आते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस पिलर में डालने लगता है। इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा डेंस होने की वजह से वो पिलर काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और ये चीज सभी लोगों के साथ श्यांगयाओ भी काफी ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। 800 क्रॉस करते हुए सीधा 903 में जाके रुकता है और ये देख के एल्डर श्यांगयाओ सोचने लगता है ये लड़का बाकी ही काफी अच्छा कर रहा है और ये लड़का फ्यूचर में अपने क्लैन को जरूर और आगे ले जाएगा। और तभी हम देखते हैं काउइंग को जो डेंट्रॉन के प्रोग्रेस को देख के स्माइल करने लगती है। और तभी हम देखते हैं जियान को जो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था और सभी लोग अभी के लिए जियान को ही देखे जा रहा था और जियान उस पिलर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर को जो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंस देख रहा था और फिर वो कहते हैं मैंने सोचा नहीं था पॉइंट्स इतना ज्यादा होगा। और वो सोचने लगता है जियान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अगर बाइंग को क्रॉस नहीं कर पाया पहले राउंड में ही हम लोग इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। और तभी हम देखते हैं काउइंग जो खुद भी जियान को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। और तभी हम देखते हैं जियान को जो उस पिलर को टच करते हुए अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डालने लगता है। और तभी हम देखते हैं एल्डर श्यांगयाओ जो जियान को देख के सोचने लगता है तुम ही क्लैन के आखिरी उम्मीद और मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना है मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे क्योंकि इस बार तुम अगर हारते हो तो क्लैन को दोबारा पीटर में एल्डर पोजीशन को लेने का मौका नहीं मिलेगा। और तभी हम देखते हैं जियान को जो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है और इस चीज को सबसे पहले काउइंग और एल्डर श्यांगयाओ सेंस कर लेता है। तभी हम देखते हैं उस पिलर को जो काफी ज्यादा चमकने लगा था और जियान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखकर एल्डर श्यांगयाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हालांकि वो ऐसे स्ट्रेंथ पहले भी देखा है जब काउइंग इस असेसमेंट टेस्ट को दे रही थी, बट काउइंग के उस टाइम की स्ट्रेंथ को अगर जियान से
कंपेयर किया जाए तो जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काउइंग की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं काउडन और डेंट्रॉन को जो जियान के ऐसे स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और तभी हम देखते हैं काउइंग को जो जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा ध्यान से देख रही थी। और तभी एक पावरफुल एनर्जी उस पिलर से निकल के सीताजो के रूप में टकराती है। तभी हम उस पिलर पे देखते हैं जियान की पॉइंट को और जो होती है 1395। यह देख के सभी की तो होश ही उड़ जाता है और सभी के मुंह खुल्ल के खुल्ला रह जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिलन को जो इस नंबर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही ग्रेट एल्डर भी एक चैन का सांस लेता है। और इसी के साथ BTTH की ये नोवेल पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।